अरस्तु एक महान ग्रीक मार्गदर्शक थे। उनका जन्म 384 ईसा पूर्व में ग्रीस में हुआ था। उनके गुरुजी प्लाटो थे। उन्होंने प्लाटो के पास ही अपनी पढ़ाई पूरी की। जब वह बच्चे थे तो उस दौरान उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और उनका पालन पोषण एक संबंधी के द्वारा किया गया था। उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी और बहुत सारे विषयों पर अपने विचार लिखे थे, जैसे कि फिजिक्स, जूलॉजी, पोएट्री, म्यूजिक, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, जियोलॉजी, मेटाफिजिक्स इत्यादि। अरस्तु के अनमोल विचार। धैर्य और बहादुरी वाले कार्यों से ही हम बहादुर और बलवान बन सकते हैं। अगर आपने एक बार ठान लिया तो संसार की हर परेशानी आपके साहस के आगे घुटने टेक देगी। हमें न तो कायर होना चाहिए और न ही अविवेकी, बल्कि हमें साहसी होना चाहिए। जो व्यक्ति एकांत में खुश रहता है, या तो वह एक जानवर होता है या फिर भगवान। युवा आसानी से धोखा खाते हैं क्योंकि वो हमेशा ही जल्दबाजी करते हैं। जो लोग अपने डर को जीत लेते हैं तो वो लोग सही मायनों में मुक्त हो जाते हैं। पढ़ाई लिखाई की जड़ें कड़वी जरूर होती है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। बिना पागलपन के किसी भी महान दिमाग का अस्तित्व नहीं होता है। आलोचना से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत कहो और कुछ मत बनो। अपने काम में खुश रहने से ही आप अपने काम को पूरा कर सकते हो। अगर इस दुनिया में औरतें नहीं होती तो इस दुनिया की सारी धन दौलत बेकार होती। अगर आप में साहस नहीं है तो आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति उस इंसान से प्यार नहीं कर सकता है जिससे वो डरता है। किसी भी इंसान का स्वभाव ही उसे विश्वसनीय बनाता है, न कि उसकी धन दौलत। इसलिए धन दौलत से ज्यादा स्वभाव को महत्व देना चाहिए। जिस प्रकार एक खाली बर्तन बहुत ज्यादा आवाज करता है, ठीक उसी प्रकार मंदबुद्धि के लोग ज्यादा ढींगे मारते हैं। उत्तम इंसान वो ही बन सकता है जो दुख और चुनौतियों को भगवान का आशीर्वाद मानकर उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ता है। शत्रुओं पर जीत हासिल करने से ज्यादा अपनी इच्छाओं पर जीत हासिल करना कठिन है। हम लोग अपनी इच्छाओं को आसानी से काबू नहीं कर सकते हैं। एक इंसान सभी प्राणियों में सबसे अच्छे रूप में सबसे उदारशील होता है, लेकिन कानून और न्याय की व्यवस्था ना हो तो वो सबसे खराब बन जाता है। श्रेष्ठता वो हुनर होता है जो अभ्यास और आदत से आता है। हम इसलिए अच्छे कर्म नहीं करते हैं कि हमारे अंदर बेहतर श्रेष्ठता है, बल्कि वो हमारे भीतर इसलिए है क्योंकि हमने अच्छे कर्म किए हैं। हम वो है जो बार बार करते हैं, इसलिए श्रेष्ठता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। चरित्र को हम अपनी बात मनवाने का सबसे प्रभावी माध्यम कह सकते हैं। सेक्स जीवन का आधार ही नहीं है, बल्कि ये जीवन का कारण भी है।